हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ स्टोरी टाइम। आज मैं तुम लोगों को अपनी जिंदगी का एक और बड़ा ही मजेदार बेहतरीन वाक्या सुनाने वाला हूँ। सो पॉपकॉर्न्स हाथ में पकड़ लो या तुम्हारे करीब करीब जो भी खाने की चीजें हाथ में पकड़ लो, मतलब एक्चुअल में वो खाने की चीज ही होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। तो भैया सीन ये है कि ये बात है लॉकडाउन के टाइम की, यानी कि आज से ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल पहले की बात है ये, जब लॉकडाउन अपने उरूज पे था, ठीक है, जो COVID-19 था। एंड धीरे धीरे वो कंट्रोल में आता गया और लॉकडाउन वाला सीन, सारा सीन खत्म होता गया, तब मेरे स्कूल्स खुल गए। ठीक है, तो ये स्टोरी है मेरे स्कूल की कि कैसे मैंने अपना स्कूल जिंदगी में पहली मर्तबा बंक किया और बंक करके मुझे मिला क्या। तो सीन ये था भाई, मैं सुबह उठा था 7 बजे और मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था स्कूल जाने का। पता है क्यों? क्योंकि मैं 5 बजे सोया था एंड 7 बजे उठा था। अब 2 घंटे भाई ऑब्वियसली बात नींद तो पूरी होगी नहीं। 2 घंटे सोने के बाद जब मैं उठा, मेरा सर इतना दर्द कर रहा था ना, मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं। बहाना मैं बना नहीं सकता घर पे कि भाई स्कूल नहीं जाऊंगा ये वो, क्योंकि पहले से मेरी छुट्टियां हद से ज्यादा थी। उस टाइम मेरा बड़ा ही एक प्यारा दोस्त पढ़ता था स्कूल में, जो कि नेक्स्ट लेवल रोस्टर है भाई। उसके सामने ना सारे के सारे क्लास में लिटरली डरते हैं भाई इसको, मतलब उस तरीके से नहीं डरते कि ये मार पीट देगा, इसलिए डरते हैं कि भाई ये कुछ ऐसी बात बोल देगा ना कि पूरी क्लास हंसेगी तुम पे, तो इससे बेहतर है अपनी जबान को कंट्रोल में रखो इसके सामने। वो है मेरा बड़ा ही प्यारा दोस्त बिलाल। तो बिलाल अभी दूसरे स्कूल में पढ़ता है, बट पहले हम लोग एक साथ पढ़ते थे, तो ये तब की बात है और 8th क्लास की बात है। उस टाइम मैं 8th क्लास में था, तो 2020 की बात है ये, 2020 के एंड या 21 के स्टार्ट की बात है, ठीक है, जब 8th के फाइनल एग्जाम्स होने वाले थे। अभी तो खैर मैं मैट्रिक में हूँ, तो ये 8th की बात है जब फाइनल एग्जाम्स में कुछ वक्त बचा था। तो मैंने बिलाल को फ़ोन किया, भाई तू फ्री है, स्कूल जा रहा है कि नहीं? तो उसने कहा भाई मैं तो स्कूल नहीं आ रहा। तो मैंने कहा भाई चल आज बंक मारते हैं। ये मेरी जिंदगी का सबसे पहला बंक था। क्योंकि भाई मैंने इससे पहले कभी भी ठुल्ला नहीं मारा था। अच्छा आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि ठुल्ला किसको बोलते हैं। तो भाई लोग हमारे यहाँ अगर कोई स्कूल बंक करता है या कॉलेज बंक करता है उसको ठुल्ला बोलते हैं। मैं तुम लोगों को बता दूं, ठुल्ला बोलते हैं उसको। तो मैं और बिलाल ठुल्ला मारने के लिए अपने मिशन की तरफ निकल पड़े। सीन ये हुआ कि भाई मैं तैयार श्यार होकर 7:45 बजे घर से बाहर निकला, ठीक है, बिलाल के इंतजार में। फोन भी मैंने बैग में रखा हुआ है, स्कूल के कपड़े पहने हुए, और बिलाल घर के कपड़ों में, उसको कोई टेंशन है ही नहीं, बाइक भी उसकी है, ठीक है। अब वो ले जाने वाला था, वो मैं आगे चल के बताता हूँ। मैं कर रहा हूँ बिलाल का इंतजार, खड़ा हूँ रोड पे, कर रहा हूँ बिलाल का इंतजार, कभी ऐसे कभी वैसे, घड़ी देख रहा हूँ, ये वो बहाने कर रहा हूँ कि भाई क्या करूँ। ऑब्वियसली बात है भाई, लोग भी सोचेंगे कि इतनी सुबह ये स्कूल के यूनिफॉर्म में, 8:30 बज रहे हैं, 7:45 का मैं निकला और 45 मिनट मैंने वेट किया कि भाई ये 7.25 घंटे से कर क्या रहा है यहाँ पे। मैं घड़ी देखता हूँ, ये देखता हूँ, वो देखता हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई मैं क्या करूँ। फिर बड़े लंबे इंतजार के बाद भाई बिलाल आ जाता है और आके मुझे कहता है कि भाई चल। मैं कहता हूँ कहाँ? कहता चल। मैं कहता हूँ कहाँ? कहता बस तू चल। तो मैं बैठ गया। फिर मैंने रास्ते पूछा कहाँ जाएंगे, कहता है कि देखते हैं भाई कोई पार्क शार्क चलते हैं। मैंने कहा भाई सुबह इस वक्त तेरे बाप ने कोई पार्क खोला हुआ है जो हम वहां पे जाके गुलछर्रे उड़ाएंगे? कहता है नहीं, बस निकलते हैं गश्त पे। तो मैंने बोला चलो भाई। तो क्योंकि हमें समझ आ नहीं रहा था कि भाई सुबह सुबह जाएं किधर, तो हम दोनों निकल पड़े बेनजीर पार्क की तरफ। अब बेनजीर पार्क मुझे एक्चुअली पता है नहीं कि वो कहाँ पे है, ठीक है, बट हाँ वो लाइक 2 तलवार 3 तलवार कुछ ऐसी जगह पे मौजूद है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में सी व्यू से पहले आता है वो। तो उस बेनजीर पार्क के पास हम लोग जब पहुंचे, तब हमें एक ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया। उस ट्रैफिक पुलिस ने बोला साइड पे हो जाओ। अब लिटरली मैं इतना डरा हुआ हूँ ना भाई, पहली मर्तबा मुझे किसी ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ा है, और मुझे पता है भाई मैं गुनहगार हूँ यहाँ पे। मैंने मतलब रूल वगैरह कोई कुछ नहीं तोड़ा था, बट वो पुलिस वाला समझ गया कि ये दोनों ठुल्ले पे हैं। तो उसने कहा कहाँ जा रहे हो? तो हम दोनों ने कहा सर स्कूल, ठीक है। उसने स्कूल के कपड़े नहीं पहने थे, उसने कहा मैं इसको स्कूल पहुँचाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है लोगों भी लगा था स्कूल का, तो उसने कहा ये स्कूल कहाँ है, आज से पहले तो मैंने आप लोगों को इस रास्ते से जाते हुए नहीं देखा। तो हमने कहा सर न्यू एडमिशन लिया है। वो पुलिस वाला समझ गया भाई ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, ये दोनों गेम कर रहे हैं मेरे साथ। उसने बोला बेटा बाइक लगाओ साइड पे। बाइक हमने लगा लिया साइड पे, सही है, बाइक जब साइड पे हमने लगाया, देन फिर वो पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले को कहता है बाइक छीनो इनकी बंद करो। फिर जो मेरी फटी ना, ओफ, मैंने कहा भाई बस खत्म हो गया अपना काम भाई। सुबह सुबह ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया और बाइक भी बंद हो गई, क्योंकि उसको पता था ये दोनों टुल्ले पे। तो हमने कहा सर प्लीज बाइक छोड़ दो, हम स्कूल जाएंगे। कहता है बेटा बस पकड़ लो, बस पकड़ के जाओ, बाइक थाने से छुड़ाना, क्योंकि तुम्हारे पास पेपर्स भी नहीं है बाइक के, और सच में पेपर्स थे भी नहीं हमारे पास। उन्होंने पूछा भी नहीं पेपर्स का। उस बंदे को भाई अंदाजा लग गया था कि ये लोग पेपर्स वाली शक्लें नहीं, इनके पास पेपर्स नहीं है। तो ये जो गधा मेरा दोस्त बिलाल, ये पेपर्स घर पे छोड़ के आ गया था, इसके पास पेपर्स भी नहीं थे, सही है। अब वो हैरान, मैं हैरान, हम कुछ बोल भी नहीं सकते, अगर कुछ बोल दे भाई मसला वसला हो जाएगा। हम दोनों चुपचाप वहां से निकले, हालांकि बिलाल ने काफी मिन्नतें की, ठीक है। बिलाल ने उसको कहा सर प्लीज माफ कर दो, अगली बार ये वो फलां ठिमकाना ख्याल रखेंगे। उसने कहा बेटा नहीं,
छुड़ानी है बाइक जाओ थाने से छुड़ाओ, मैं कुछ नहीं करने वाला। मैं तुम लोगों के लिए सिर्फ एक चीज कर सकता हूँ, तुम्हें सिर्फ एक चीज दे सकता हूँ, और वो है बाबा जी का ठुल्लू। अब मेरी इतनी भाई लिटरली फटके हाथ में आ गई ना, मैंने कहा भाई यहाँ से कोई जान पहचान वाला गुजर रहा होगा, अगर उसने मुझे देख लिया ना मेरे खराब वाले एल लग जाएंगे। तो मेरे घर से आई थिंक मैं कुछ 15 या 16 किलोमीटर दूरी पर हूँ। अब ऑब्वियसली भाई मैं 16 से 15 किलोमीटर चल के तो नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो मैं परेशान हो गया, आप करेंगे क्या? क्यों? क्योंकि मेरे जेब में सिर्फ और सिर्फ कुछ आई थिंक कितने 70-80 रुपए थे, ठीक है, और बिलाल के जेब में भी कुछ 40-50 रुपए थे। पैसे हमारे पास लिटरली ना होने के बराबर है भाई, 110-120 कुछ इतने रुपए हमारे पास, ठीक है। तो रस्ते पे जाते 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 एक आदमी रुका बाइक पे, वो सामने से आ रहा था। मैं और बिलाल बातें करते 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 जा रहे हैं, तो एक आदमी रुका। बातें हम लोग इसलिए कर रहे थे क्योंकि भाई मैंने भी अपने माइंड में बिठा लिया, बिलाल ने भी बिठा लिया कि भाई अब जो होना था वो हो गया, अब होनी को कोई नहीं टाल सकता। बिलाल ने अपना माइंड बना लिया था कि भाई मैं शाम को जाऊंगा अपने किसी दोस्त के साथ या अकेले, बाइक जो है जो चालान होता है चालान भर के ले आऊंगा बाइक, क्योंकि ये मैं बताना भूल गया उस ट्रैफिक पुलिस वाले ने चालान भी काटा था, एंड हमारी गलती तो थी क्योंकि पेपर्स भी हमारे पास नहीं थे बाइक के, और बिलाल को 18 साल भी नहीं था, 18 साल से कम का है और वो बाइक चला रहा है, तो चालान भी हमारा कट गया, ठीक है। और क्योंकि हम कसूरवार भी थे उस वक्त, तो हम कुछ कह नहीं सकते, हमारी बात में कोई वजन ही नहीं था। तो बिलाल ने कहा मैं शाम को जाऊंगा थाने से छुड़ा लूंगा, जो जितनी भी फाइन है जो चालान है वो भर लूंगा, ठीक है। ये सीन था, मैंने बोला सही है भाई, अब जो होना था हो गया। तो हम पैदल चलते गए चलते गए चलते गए, कोई आधा घंटा गुजरा, मैं जब मोबाइल पे भाई गूगल मैप खोल के देख रहा हूं, और आधा घंटा मैं सिर्फ भाई 1 किलोमीटर चला हूं, आधा घंटा मैं लिटरली बात इतना स्लो मोर की तरह मैं जा रहा था ना, मुझे पता ही नहीं चला वक्त का कि भाई आधा घंटा कैसे गुजर गया। मैंने कहा बिलाल इस तरह अगर जाएंगे तो भाई शाम को घर पहुंचेंगे, सही है, तो कुछ करते हैं। तो हम लोग जैसे ही थोड़ा सा आगे गए तो एक बाइक वाला सडनली हमारे सामने से आ रहा था, वो रुक गया। उसने कहा कि क्या हुआ, सब खैरियत? मैंने कहा हाँ। एक सेकंड के लिए उसने सोचा कि भाई शायद इनकी मैं थोड़ी सी हेल्प कर लूँ, इनको आगे तक छोड़ देता हूँ, बट फिर जैसे ही मैं बड़ा ही समझदारी का मुजाहरा पेश कर रहा था वहाँ पे, मैं बड़ा ईमानदार बन रहा था, मैंने कहा हम ठुल्ला मारने गए थे, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, वो बंदा भी भाई किक मार के चला गया। उसने कहा दफा हो जाओ भाई, तुम लोगों को जो करना है करो, मैं ठुल्लेबाजों को नहीं बिठाता भाई अपने बाइक के पीछे। तो जाते गए, किसी तरह हमें एक बस मिला, बस में चढ़े, बस लिटरली भाई खाली थी, बस में बहुत कम लोग थे, सुबह सुबह का टाइम था, तो यहीं कोई फिर आई थिंक 9:30-10 बज रहे थे, सही है ना। तो बस पे हम लोग चढ़े, बस से हम लोग खारादर में उतरे। अब खारादर मेरे घर से कुछ आई थिंक 5 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है, 5 किलोमीटर दूरी पर है खारादर पे हम लोग जो है ना उतरे, सही है। तो 5 किलोमीटर भी आई थिंक मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 3 या 4 किलोमीटर दूरी पर है। तो खारादर पे हम लोग उतरे, वहाँ से फिर पैदल बात करते 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 आए किसी तरह घर पे पहुँचे, और फिक्स 12 बज गए थे, और छुट्टी भी 12 बजे ही होती है। पैदल आए 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 12 बजे फिक्स घर पे पहुँच गए, और फिर भाई साहब जो मतलब लाइक मैं एक सांस में सांस आई भाई मेरे, मैंने कहा शुक्र पहुंच तो गए सुकून से घर। एंड डर अभी भी मेरे अंदर था, पता है क्यों? एक ट्विस्ट मैंने सोच के रखा था कि इस वीडियो के एंड में बोलूंगा, और वो ये है, उस पुलिस वाले ने जो ट्रैफिक पुलिस वाला था उसने हमारी वीडियो भी बना दी। उसने कहा कि ये दोनों बच्चे हैं, इन्होंने ये बाइक इनके पास है, इनकी एज 18 साल नहीं है और ये बाइक चला रहे हैं, इसके पास पेपर्स भी नहीं है, तो मैं इसकी बाइक छीन रहा हूँ, ठीक है, इसकी बाइक थाने में ले जा रहा हूँ, इसको फाइन भरना पड़ेगा, चालान भरना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इतना डरा हुआ था कि भाई ये वीडियो अगर फेल, मतलब ऑब्वियसली बात है पहली बार था तो मुझे पता था नहीं कि ये वीडियो प्रूफ के तौर पर रहती है उनके पास, मुझे लग रहा था कि भाई फेसबुक में अपलोड हो जाएगी, और मेरे जो फादर हैं, ठीक है, मेरे वालिद साहब फेसबुक बहुत यूज़ करते हैं, तो मैं इस डर में था कि भाई अगर उन्होंने ये वीडियो देख ली ना, मैं तो गया भाई, लिटरली मेरी जो एक इमेज बनी हुई है ना अच्छी सी के घर में, हाँ यार ये बंदा भरोसा नहीं तोड़ता, वो टूट जाएगा। लेकिन मैंने अपने माइंड में एक पॉजिटिव चीज़ भी रखी थी कि भाई अगर 24 घंटे के अंदर ये वीडियो फेसबुक पे अपलोड नहीं होती तो ठीक है, अगर होती है तो भाई मसला हो जाएगा, अगर 24 घंटे के अंदर नहीं हुई मतलब ये वीडियो अपलोड होगी नहीं, सही है, क्योंकि डर था वीडियो वैसे अपलोड नहीं होने वाली थी, उन्होंने प्रूफ के तौर पर रखा था तो मुझे लगा अपलोड होगी, तो मैं डरा हुआ था, किसी तरह घर पे पहुंचा, तो ये सारा सीन हुआ, एंड 24 घंटे के अंदर वो वीडियो अपलोड नहीं हुई, तब मेरे सांस के अंदर सांस आई कि भाई हाँ ओके शुक्र है अल्लाह का, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। बट ये बात मेरे बहुत ही कम दोस्तों को पता है, बट अब इस वीडियो के जरिए ऑब्वियसली सबको पता चल गया, तो ये मेरी ज़िंदगी की एक गलती थी, बट इस इंसिडेंट से मैंने एक चीज़ सीख ली थी कि भाई लाइफ में कभी भी अगर तुम्हें स्कूल नहीं जाना है, किसी भी जगह नहीं जाना है, बहाने मत बनाओ कि भाई मैं जा रहा हूँ और तुम चले गए किसी और जगह। ये चीज़ मैंने बाद में रियलाइज़ की कि भाई खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, कोई हादसा पेश आ जाए तुम्हारे साथ, लाइक तुम्हारे घर वालों को तो पता ही नहीं है
तुमने कॉलेज स्कूल या किसी जगह का नाम लिया और वो वहां पे जाके तुम्हें ढूंढ रहा है, वहां पे जाके उन्हें पता चलता है कि हमारा बेटा या हमारी बेटी तो यहाँ पे आया ही नहीं है या आई नहीं है, तो ये जो है ना लाइक एक तरह से उनका ट्रस्ट टूट जाता है। इस इंसिडेंट के बाद मैंने कहा भाई आज के बाद मैं कभी स्कूल बंक नहीं करूंगा, नहीं जाना होगा सिंपल बोल दूंगा भाई कि हाँ भाई नहीं जाना है, सिंपल सी बात है। कभी भी अपने माँ बाप का ट्रस्ट मत तोड़ना, इन सारी चीज़ों से भाई बहुत ज़्यादा तैनात रहो। मेरा ये रूल है कभी भी स्कूल बंक मत करना। और अगर तुम लोगों को और ऐसी कहानियाँ सुननी है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ये स्टोरी तुम लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना, और अपना फेवरेट मोमेंट भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो को लाइक करना ना भूलो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, एंड मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम विद मोर वीडियोज। तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगेन, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं पे भी नहीं जाना है, सिंपल सिंपल बोल दो भाई नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, लेकिन बंक मत करो। अल्लाह हाफिज़।